तो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मेंटल मैथ्स चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र, जो कि सेशन 2024-25 के लिए है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई बताइए। तो ध्यान से देखो, आंसर नंबर 1, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि सममित समान होगा, द्विमिस दो, बाहुमिस भुजा, और समकोण भी है। तो मतलब अगर हम इस भुजा को x मानेंगे तो ये भी x होगी। ठीक है, और ये क्या है, कर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु है, दो भुजाएं समान होंगी, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अगर इसको हमने x माना है तो ये भी x है, ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई पता करना है। कर्ण की लंबाई, तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है, तो समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं, 8 वर्ग सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 8 की होगा। वैल्यू रखेंगे 1/2 गुणे आधार x है, तो ऊंचाई x होगी क्योंकि समद्विबाहु है, बराबर 8 के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करके एक से करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 बराबर 8 के, तो 1/2 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 को 2 से गुणा करो, आ जाएगा 16। अब इसके बाद में स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट 16 हो जाएगा। तो इसके बाद में रूट 16 बराबर आ जाएगा 4×4, यानी 4×16 पेयर बनेगा। इसमें से 4 हम बाहर निकालेंगे, तो मतलब x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मतलब ये 4 आ गया, ध्यान रखना, ये भी 4 आ गया। आधार और लंब का पता चल गया, निकालना है हमको कर्ण। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कर्ण बराबर रूट में आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट, तो आधार 4 आया, लंब भी 4 आया, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर 4×16 प्लस 16, जोड़ोगे तो आ जाएगा 32। अब इसका निकालना है एलसीएम, आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 2×2=4×8×16×32। ठीक है, इस हिसाब से एलसीएम निकालोगे तो आएगा, एलसीएम यहाँ निकाल के बता देता हूँ, 2 से कट करोगे आएगा 16, फिर 2 से कट करोगे आएगा 8, फिर 2 से कट करोगे आएगा 4, फिर 2 से कट करोगे आएगा 2, फिर 2×2, यानी 2 कितनी बार आएगा, 5 बार। ठीक है, तो एक पेयर इसका बना, एक इसका बना, तो इसमें से 1-2 बाहर निकलेगा, एक फिनिश हो जाएगा, इसमें से भी 1-2 निकलेगा बाहर, एक फिनिश हो जाएगा, रूट में केवल क्या बचेगा, 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण की लंबाई आ जाएगी 4√2 सेंटीमीटर। ये आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाकर निकाल लिया है एक साइड, तो समद्विबाहु है, यानी दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज था तो ये इसके इक्वल निकला। तो इस हिसाब से कर्ण का फॉर्मूला लगा के आधार और लंब का पता चल गया है, तो हमने कर्ण भी निकाल लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखो आंसर नंबर 2। एक भुजा दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर, निकालना क्या, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है बच्चों, उसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला याद कर लेना ध्यान से, फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/3/4 गुणे भुजा पर 8 स्क्वायर डबल टाइम 8×8,
चार से कट किया, चार दूना आठ, ठीक है। आठ को दो से गुणा किया 16, रूट तीन से हम लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ये निकल आया क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर नंबर टू हो गया, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों। एक त्रिभुज का परिमाप 540 मीटर है, यदि भुजाओं का अनुपात 25 अनुपात 17 अनुपात 12 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर नंबर थर्ड देखो ध्यान से, आंसर नंबर थर्ड। तो जब भी अनुपात में भुजाएँ हों तो वहाँ पर मान लेना, माना भुजाएँ 25 है तो 25x, 17 है तो 17x, 12 है तो 12x, ठीक है। और क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, परिमाप, परिमाप कितना दिया बच्चों, 540। इसके इक्वल रखेंगे, परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 होगा। यहाँ पर a b c ये भुजाएं हैं, ध्यान रखना, तो इनका योग करेंगे 25x प्लस 17x प्लस सी पर 12x बराबर 540 के, इन तीनों को जोड़ो आ जाएगा 54x बराबर 540 के। तो x बराबर ये 540 रहेगा, बटे में आएगा इधर से 54, ठीक है। कट करो, 54 एकम 54 बचा एक, यानी जीरो लगाएंगे 10 हो गया, यानी x का मान आ गया 10। तो a बराबर निकालेंगे 25x था, 25x तो 25 पे 25 गुणे एक्स पर x की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 250 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार b निकालेंगे, b है 17x, तो 17x ये बराबर 17 गुणे एक्स पर 10, ये बराबर आ जाएगा 170 मीटर। इसी प्रकार c निकालेंगे, c है 12x, तो 12x बराबर 12 में 12 गुणे एक्स पर 10 आ जाएगा 120 मीटर। ये तीनों भुजाएं हो गई। अब क्षेत्रफल के लिए हमको निकालना पड़ेगा s, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, ध्यान रखना, ठीक है। a पर a की वैल्यू 250 प्लस b पर 170 प्लस c पर 120 बटे में 2, ठीक है। 250, 170, 120 जोड़ो आएगा 540 बटे में 2, और टोटल जो परिमाप दिया था उतना ही निकलेगा प्लस करने पर, ध्यान रखना, इन तीनों का योग, ठीक है। इसको 2 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 2 × 4, 2 × 7 = 14, 0, 270 आ जाएगा मीटर, ठीक है, 270 मीटर आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद में हमको निकालना है क्षेत्रफल, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखना, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर s माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखना है, s आपका आया है बच्चों 270, जहाँ जहाँ पर s है 270 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट s पर 270 a, a आपका है 250, वैल्यू रखेंगे माइनस 250, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे s पर 270 माइनस b, b पर 170 रखना है आपको, फिर ब्रैकेट लगाएंगे s, s पर 270 माइनस c, c पर रखना 120, ठीक है। क्या रखोगे, 120। अब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो, आगे सॉल्व करेंगे, बराबर का निशान लगा दिया, 270 सेम लिखा, गुणे के निशान, 270 में से 250 आपको माइनस करना है, ठीक है, कितना आ जाएगा 20, फिर 270 में से 170 आपको माइनस करना है बच्चों, कितना आएगा 100, फिर 270 में से 120 माइनस करना है बच्चों, कितना आएगा 150, ठीक है, ये कर लेना। अब आपको बारी बारी इन सब का एलसीएम निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 270 का, ठीक है, ध्यान से देखो, 270 का एलसीएम निकालेंगे, तीन से कट कर देते हैं, 3 × 27 90 आ गया, फिर तीन से कट करेंगे, 3 × 3 = 30 आ गया, फिर तीन से कट करेंगे, 3 × 2 = 30, अब 2 से कट करेंगे, 2 × 5 = 10, फिर 5 × 1 = 5, ठीक है। इसी प्रकार 270 की जगह लिखेंगे 3 × 3 = 3 × 2 = 5, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 3 ×
तीन गुणे तीन गुणे दो गुणे पाँच। अब इसके बाद में 20 कैल्शियम निकालेंगे, 20 कैल्शियम 2 से कट किया, 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो 20 पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर गुणे के निशान। अब किस कैल्शियम निकालना है, 100 का, 100 कैल्शियम निकालेंगे, 2 से कट किया 50, फिर 2 से कट किया 25, फिर 5 से कट होगा 50 25, 5 एकम 5, तो 2 2 5 5, इसका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। फिर गुणे 150 कैल्शियम निकालेंगे, 150 का, 3 से कट किया 3 5 15, 50 आया, 5 से कट किया 10 आया, फिर 5 से कट करेंगे 2 आएगा, फिर 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3 5 5 2, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, इस प्रकार 270 20 100 150 कैल्शियम निकाल लिया है। जो भी आया बाहर के नंबर जो हैं इनके यहाँ पर गुणे के निशान के साथ लिखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है, सबसे पहले आपको काउंट करना है 2 कितनी बार हैं, ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से आप एक साथ भी लिख सकते हो, 2 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 बार है, तो लाइन से लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 6 बार लिख दिया गया, रूट के साथ लिखना भी, ठीक है। फिर गुणे के निशान, 3 काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब 5 गिनो, 1 2 3 4 5 6 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार, 2 4 6। अब 2 2 का पेयर बना दो, 1 इसका बना, 1 2 का बना, 1 इस 2 का बना, 3 का बना, फिर से 3 का बना, 5 का बना, फिर से 5 का बना, फिर से 5 का बना। अब सब में से एक एक निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा एक फिनिश, 2 इसमें से निकलेगा एक फिनिश, 2 इसमें से निकलेगा एक फिनिश, क्योंकि रूट में है। अब 3 इसमें से एक निकलेगा, 1 इसमें से निकलेगा, इसी प्रकार 5 3 बार निकलेगा, 1 इसमें से, फिर 1 इसमें से, फिर 1 इसमें से, और 1 फिनिश हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, किसी भी साइड से करोगे मल्टीप्लाई, जैसे 55 25 25 को 2 से किया 50, 2 100 2 200, 3 600, 3 1800, 1800 को 5 से गुणा करो, तो 1800 को 5 से गुणा करोगे आ जाएगा 9000, ठीक है, और मीटर है तो लगा देंगे मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बच्चों आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, 3rd, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 3rd हो गया, क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर हैं और परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखो आंसर नंबर 4, भुजाएं पता हैं, ए बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, बी बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर, और सी बराबर क्वेश्चन मार्क है, तीसरी भुजा का पता नहीं है, परिमाप पता है, और क्या पता है, परिमाप, परिमाप कितना पता है बच्चों, 32, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 के होगा, ए पर ए 8, बी पर 11 प्लस सी पर सी बराबर 32 के रखेंगे, ये हो जाएगा 11 8 19 प्लस सी बराबर 32 के, ठीक है, तो सी बराबर 32 प्लस 19 इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, तो सी आपको मिल जाएगा 32 में से 19 घटा दो, तो सी बराबर 32 में से 19 घटा दो आ जाएगा 13, ठीक है, तो ए बी सी का भी पता चल गया, ठीक है। और ध्यान रखना 13 11 8 तीनों को जोड़ोगे 13 11 8, तो ध्यान रखना बच्चों आना चाहिए 32, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, न कम होना चाहिए ना ज़्यादा। अब इसके बाद में हम S निकालेंगे, S का फॉर्मूला पता है A प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है, तो बराबर A पर रखेंगे 8 प्लस B पर रखेंगे 11 प्लस C पर 13, निकाल चुके हो बटे में 2, जोड़ोगे तो आएगा 32 ऊपर का बटे 2, भाग करोगे आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा आ गया। अब निकालना है हमको क्षेत्रफल, तो हीरोन का फॉर्मूला लगाओगे, एस एस माइनस ए रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी, इसकी वैल्यू रखो, एस पर रखना आपको 16,
फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए 16 माइनस ए आपका है 8, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी 16 माइनस बी आपका है बच्चों 11, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी एस पर 16 सी आपका है 13। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 16 पे 16 आएगा गुणे के निशान, 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा गुणे के निशान, 16 में से 11 जाएगा 5 आएगा गुणे के निशान, 16 में से 13 घटाओगे 3 आएगा। ठीक है, अब आगे फिर से एलसीएम निकालो। 16 का एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 16। इसी प्रकार 8 का एलसीएम 2 × 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। इसमें स्पेयर इसका बना, इसका बना, इसका बना, तो एक दो बाहर निकलेगा, इसमें से एक दो बाहर निकलेगा, इसमें से एक दो बाहर निकलेगा। अब इनका नहीं बना है तो रूट लगा दो, 2, 5, 3 का नहीं बना, 2 × 5 × 3 ऐसे लिख दो। ठीक है, आगे इनका गुणा करो, 8 आ जाएगा, रूट में 2 × 5 = 10, 30 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। जिनका पेयर बना निकाल लिया, जिनका नहीं बना सेम मल्टीप्लाई करके रूट के साथ लिख दिया। ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, बुक में ये आंसर नहीं है तो आंसर गलत है, आप सही तरीके से सॉल्व किया करो, काफ़ी आंसर गलत हैं मेंटल मैथ बुक में भी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ध्यान से देखो आंसर नंबर 5। ठीक है, दे रखा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम होगा, सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी, ये ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना आप। ठीक है, इधर हम फॉर्मूला रखेंगे, √3/2 × भुजा बराबर 6 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 = 6 के, बटे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3/6 को 2 से गुणा करेंगे क्रॉस में, 12 आ जाएगा, तो भुजा 12 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर आ गया, तो ये भुजा का पता चल गया, एक भुजा 12/√3 सेंटीमीटर है, तो सारी भुजाएं इसकी इक्वल होंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया क्षेत्रफल, तो हम फिर से यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा² तो √3/4 सेम गुणे भुजा, भुजा आ गया है 12√3 फिर से गुणे, दो बार लिखना है ना, स्क्वायर है 12√3। अब देखो ध्यान से, 1√3 से 1√3 कट गया, 4 × 4, 4 × 3 = 12 ये कट गया, तो मिला क्या, 12 × 3 = 36 ऊपर और बटे नीचे √3। ठीक है, तो बटे में रूट में नंबर रोकते नहीं है बच्चों, तो हम हर का करेंगे परिमेयकरण, तो लिखेंगे 36√3 गुणे के निशान लगाएंगे, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, हर के परिमेयकरण के लिए, तो जब हर का परिमेयकरण करोगे तो √3 जो बटे में है इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो 36 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36√3 और नीचे √3 √3 इसका बन जाएगा पेयर, केवल 3 निकलेगा, पेयर बना ध्यान रखना, कैसे पेयर बना, √3 × √3 ये एक साथ रूट में आएगा तो इसमें से 3 निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, 3 आ गया, कट करेंगे 3 × 3 आ जाएगा 12। ठीक है, ऊपर तो आ गया 12√3 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो, ये आंसर हो गया, तो ये आंसर नंबर 5 हो गया। क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बताना। तो बच्चों टोटल आज की इस वीडियो में टोटल 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।